पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका रिया से और सुशांत सिंह राजपूत से क्या कोई रिश्ता था, उनका आपसे कोई फ्रेंडशिप थी, कोई दोस्ती थी? जी नहीं, मेरा डायरेक्टली उनसे कोई रिश्ता नहीं था और रिया से तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। मेरा सिर्फ सुशांत से एक राजपूत होने के नाते मेरा जुड़ाव रहा है कि वो एक राजपूत है, हमारा एक भाई है इंडस्ट्री में। जिस दिन ये घटना हुई थी तो हमारे जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया भाई कि ये क्या घटना हो गई, अपना सेलिब्रिटी था इसने ऐसा कैसे किया। तो मैंने कहा हाँ मैंने न्यूज़ में देखा है उसने सुसाइड किया है, तो ठीक है आप कल आप वहाँ जाना है क्योंकि राजपूत है आपको जाना चाहिए वहाँ पर। मैंने कहा ठीक मैं कल जाऊँगा। जिस दिन मैं वहाँ पे गया 15 जून को तो वहाँ पे कोई नहीं था, सुशांत के परिवार से भी नहीं थे कोई, सुशांत के फ्रेंड कोई नहीं थे, मैं अकेला था। मेरे जाने के बाद में वहाँ पे धोनी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है सूरज सिंह जी वहाँ पे आए थे, हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि सुरजीत भाई रिया चक्रवर्ती यहाँ आना चाहती है, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था रिया को। तो बोला मैंने कहा हाँ बताइए कि नहीं रिया आएगी वो आपसे, आपने थोड़ी सी हेल्प कीजिए, वो अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो मैंने उनको कहा कि अगर अंतिम दर्शन करना है उसको तो अभी हम बॉडी लेके वहाँ जाएंगे मुड़ वहाँ शमशान घाट में, तो वहाँ सब लोग सेलिब्रिटी आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वहाँ पे शायद उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है तो बुला लो। तो उन्होंने बुलाया, फिर मैंने जो मोर्चे के जो स्टाफ थे उनसे मैंने बात की थी कि भैया सुशांत की जो गर्लफ्रेंड है वो आ रही है, तो आप प्लीज़ एक बार उनको दिखा दीजिए। तो बोल के ठीक हम बात करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बात, जब तक वो आ गई थी रिया, और बात जब उन्होंने की तो मैं खुद रिया को लेकर अंदर मोर्चरी में गया था, मोर्चे का स्टाफ वहाँ था उसने बॉडी लेके आया। जब मैंने, मेरा तो एक ये था कि मुझे देखना था कि सुशांत ने वाकई में सुसाइड किया क्या, तो मैंने उसको पर्दे को हटाया, हटा के पर्दा मैंने जब गले पे यहाँ निशान देखा तो मुझे शक हो गया था कि ये सुसाइड नहीं इसका मर्डर किया गया, क्योंकि सुसाइड करने वाला होता है बंदा उसका जो फंदा होता है वो यहाँ से ऐसे वी शेप में लगता है, लेकिन उसके गले में यहाँ मार्क थे। तो मैं वहीं समझ गया था। तब रिया भी मेरे साथ खड़ी थी, हाथ जोड़ के खड़ी थी, खड़ी होते उसने चेस्ट पे हाथ रखा, बोला सॉरी बाबू। तो मेरे दिमाग में गया यार सॉरी क्यों बोल रही, वो मैंने सोचा, मैंने उसे पूछा भी नहीं भाई तुमने सॉरी क्यों बोला, हो सकता है कि उनका जो रिलेशन ऊपर नीचे चल रहा था जिसकी वजह से उसने सॉरी बोला हो, खुद वो जाने। फिर हम बाहर आ गए थे तो रिया के फैमिली वाले थे, उसकी मदर भी थी, भाई भी था, सूरज सिंह थे, वो भी जाना चाहते थे अंदर, लेकिन स्टाफ ने मना कर दिया कि आप लोग नहीं जा सकते। तो कितने लोग अंदर, कितने लोग गए थे? मैं और रिया और एक जो मोची का जो स्टाफ था, हम 3 लोग थे। तो आपको वहाँ पहुँचने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ी थी या फिर आप डायरेक्ट पहुँच गए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से कोई आपका कोई रिश्ता नहीं था, रिया से आपका कोई लेना देना नहीं था, फिर आप अंदर तक कैसे पहुँच गए? अंदर तक मैंने तो देखो जब मैं अंतिम यात्रा में गया था तो मैंने नीरज सिंह जी से मेरी बात हुई थी, राजपूत होने के नाते मैं गया था अंतिम यात्रा में, तो अब राजपूत था तो मुझे जाना जरूरी था। दूसरी बात मोचरी में जाने के लिए मैंने तो परमिशन ली, स्टाफ मेरे साथ गया, मैं अकेला तो लॉकर खोल के घुसा नहीं, क्योंकि स्टाफ मेरे साथ गया है, स्टाफ ने मुझे खुद दिखाया है, रिया खुद गई है मेरे साथ, मीडिया बैक साइड में थी, हम पीछे वाले गेट से के सामने जब हम मोर्चे के बाहर निकल रहे तब फोटोग्राफर आ गए, फोटोग्राफर ने हमारी फ़ोटो ली थी। तो मैं डायरेक्टली गुस्सा नहीं हूँ, मैंने वहाँ पे परमिशन ली है, उन्होंने हेल्प की तभी हम अंदर गए ना। कोई पुलिस भी वहाँ मौजूद थी? हाँ पुलिस भी थे, पुलिस के अधिकारी थे, सब लोग उधर साइड में थे, आ रहे थे जा रहे थे, सिविल में भी थे, वर्दी में भी थे, सब लोग थे वहाँ पे। तो पुलिस ने किसी को, पुलिस ने नहीं रोका कि रिया चक्रवर्ती अंदर कैसे जा रही, कि जब तक अगर हम देखा जाए तो जब कहीं पोस्टमार्टम हो रहा है तो उनके घर के सिवा अंदर और किसी की एंट्री नहीं होती है, तो रिया को किस प्रकार से वहाँ एंट्री दे दी गई, किसका परमिशन मिला था? जिस मोर्चे का जो स्टाफ था बाहर जो लगा होता बोर्ड पर बैठे रहते हैं शायद उन्होंने पुलिस अधिकारियों से किसी बात की होगी उन्होंने तभी, या उन्होंने बोला होगा, हमने तो मोर्चे के स्टाफ से बात की, स्टाफ ने बोला कि ठीक है अब चलो अंदर, तब हम वो आगे जाके बॉडी निकाली, फिर हम गए, हमने देखा है पूरा सब कुछ देखा है। मतलब पुलिस हेल्प कर रही थी रिया की? रिया की हेल्प करने की नहीं कहूँगा मैं तो, अगर मोचे जो स्टाफ गया तो उनकी हेल्प की है तभी तो हम गए ना, मैं तो डायरेक्ट रिया तो पुलिस वालों से मिली नहीं तो मैं कैसे कह दूँ कि पुलिस रिया की हेल्प कर रही है। तो जब रिया अंदर पहुंची सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी के पास, आंखों को तो मुझे देखना नहीं था, रो रही है क्या, उसको देखने में गया नहीं था, मुझे वो देखना था कि सुशांत आखिर सुसाइड किया है क्या, मुझे वो माइनस पॉइंट देखना था कहीं ना कहीं। तो रिया मेरे साथ इमोशनल थी क्योंकि गर्लफ्रेंड रही थी वो, तो इमोशनली रो भी रही थी, हाथ जोड़ के खड़ी भी थी। तो इसमें मेरा ये नहीं कि मैं आरोपी नहीं बना रहा था रिया को, वो उसने सॉरी बोला क्यों बोला वो बता दे, क्लियर कर दे सबके सामने। मेरा सिर्फ एक ये है मकसद
टारगेट मैं एक ही बंदे को करता हूँ, संदीप सिंह को। उसके ऊपर मुझे संदेश आता है कि जिस इंसान ने पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि इनको बाहर निकालो, क्योंकि रिया के जाने के बाद में संदीप सिंह वहाँ पे आता है, उनको जब मेरे बारे में बताते हैं मेरे जो दोस्त है सूरज सिंह जी कि ये करणी सेना के सदस्य हैं, फिल्म प्रोड्यूसर है, तब उस बंदे को दिमाग में ऐसी कौन सी बात चुभती है, क्योंकि वो बंसाली का सीईओ रह चुका है, सुन रहे हैं हमारी बात, उसको डर हो गया था। क्योंकि मुझे सिर्फ दुबई की बात मुझे पता लगा, मैं क्यों सुनूं वो कुछ भी बात करूं, क्योंकि मुझे इतना लग रहा था कि सुशांत के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी सब प्रक्रिया करी है, सपोर्ट कर रहा है, मैं इस उसको देख रहा था। लेकिन जब उसने ऑफिसर को बोलता, इशारा करता, ऑफिसर मुझे बोलता कि हु आर यू, तो मेरे बारे में उनको बताया कि सर मैं ये हूँ, आप एक घंटे से आप मुझे देख रहे हो, हम सब मिल रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो नहीं नहीं आप यहाँ चले जाए, हम क्राइम ब्रांच से हैं और हम पूरा हमारे अंडर है ये मामला, हम अभी आप मत आइए, आप बाद में आइए।